और कहीं ना कहीं आज हम लोग के बीच सभी अतिथियों का आगमन हो चुका है। बड़ी खुशी की बात है। जुग सिंह दामोबा जी हम लोग के बीच मंच मंचासीन है। पीटी सियूर जी हम लोग के बीच मंच मंचासीन है। राजेंद्र हासदा जी सभी अतिथियों को अपना इस मंच की ओर से दिल की गहराई से धन्यवाद चाहेंगे, क्योंकि आप सब का आप लोग इस मंच को काफी समय ठीक है कहीं ना कहीं कम बॉक्स में जुड़ना चाहूंगा राजेंद्र जी, और तब तक के लिए मुझे इजाजत। मैं चाहेंगे फिलहाल कहने के तरह टीमों के पास अच्छे प्रयास और तमाम दर्शक को बता दो ये कहीं ना कहीं ब्रेकअप से बिना बचे भवानी कि तमाम प्लेयर्स की बात करते कल अक्सर दामन थामते हैं और ब्रेकअप से बात करते अक्सर एक ब्रेकअप के नाम से खिला देते हैं। और यहाँ से जो टीम जीते की नीचे से मात्र 50,000 रुपए राशि दिया जाएगा और जो टीम यहाँ से हारती है उस टीम को कहीं ना कहीं 35,000 तो संतुष्ट रहना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हेलो चलिए बेशक साथी दर्शक बड़े मैच का आनंद आप उठाते रहे और अतिथि देवो भव जिस प्रकार भारत वर्ष में नारा लगता है तो इस हमारे मंच प्रांगण में हमारे बड़े मेहमान अतिथि के तौर पर मंच में मंचासीन और विराजमान है। तो सर्वप्रथम हमारे बीच आज के इस 3 दिनी टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल डे पर बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर आए हैं आदरणीय श्रीमान अमर सिंह समार जी जो हमारे गोविंदपुर पंचायत के मुखिया महोदय हैं। आग्रह करना चाहेंगे हमारे क्लब के सक्रिय और वरिष्ठ प्रेमचंद जामुदा जी से कि आप माले अर्पण कर उनका भव्य स्वागत करेंगे। मिस्टर अमर सिंह समार जी गोविंदपुर पंचायत के मुखिया महोदय जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। एक मिनट हर सम्मान पर एक फोटो ये यादगार दिन है। इस यादगार दिन को अपने मोबाइल से ऊपर हम लोग कैद करना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रोसेस रनिंग में चल रहा है कमेंट्री भी जरूरी है। मंच में मंचासीन भूतपूर्व सैनिक के साथ साथ हमारे इस क्षेत्र के सोशल वर्कर समाज सभी आदरणीय श्रीमान बड़े भाई दया सागर के राय जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्रेसिडेंट बाबलू जामुदा जी से आग्रह करना चाहूंगा आपके शुभ हाथों से हमारे समाज सभी भूतपूर्व सैनिक महोदय दया सागर के राय जी को आप माल्य अर्पण करके उनका भव्य स्वागत करेंगे। जोरदार ताली दोस्तों समाज सेवी महोदय और इस टूर्नामेंट के प्रेसिडेंट बाबलू जामुदा जी के लिए। और साथ ही साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मंच में मंचासीन हमारे ग्राम के ग्रामीण मुंडा आदरणीय बड़े भाई श्रीमान युगल सिंह जामुदा जी बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आग्रह करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के सेक्रेटरी महोदय मिस्टर राधेव जामुदा जी से कि आप माल्य अर्पण कर उनका भव्य स्वागत करेंगे। बहुत जोरदार तालियों के साथ हमारे ग्राम के ग्रामीण मुंडा श्रीमान युग सिंह जामुदा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आग्रह करना चाहेंगे पिछले 3 दिनों से लगातार हमारे बीच बने हुए हैं और अपने बेस कीमती वक्त को निकालते हुए इस टूर्नामेंट को 4 चांद लगाने का काम किए हैं आदरणीय बड़े भाई बंदगांव प्रखंड के प्रमुख श्रीमान पीटर पीयू जी बहुत स्वागत है पुनः आपका। ट्रेजरर श्रीमान भरत गोप जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप माल्य अर्पण करके उनका भव्य स्वागत करेंगे वेलफेयर क्लब गुड़ासाई के इस स्टेज पर। आप हैं आदरणीय बंदगांव प्रखंड के प्रमुख महोदय जोरदार ताली यहाँ पर प्रमुख महोदय के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रकार की महान हस्तियों से ये जो ऑर्गेनाइज कमेटी परिवार है फूलों फलता है
आगे भी चाहेंगे मंच में मंचासीन आदरणीय राजेन हंसदा जी आपको सम्मानित करेंगे फूल माला अर्पण करके। सिमोन कराई जी से आग्रह करना चाहेंगे मंच में मंचासीन आदरणीय राजेन हंसदा जी को आप माला अर्पण करके उनका भव्य स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई राजन हंसदा जी, आपने भी बेशकीमती वक्त निकाला इस कबड्डी परिवार के लिए, चार चांद वाली बात है। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पे स्वागत हो। आगे बढ़ना चाहेंगे इस क्षेत्र के मशहूर समाज सेवा ही कहें या फिर इस विजय गुरु होकर धरता करता श्रीमान अमृत महतो जी। आप भी पिछले तीन दिनों से इस टूर्नामेंट के लिए लगातार अपना भरपूर सहयोग प्रदान किए हैं, आपसे आग्रह करेंगे आपका स्वागत पुनः एक बार हमारे रुईदास मंडल जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप एक बड़े फाइनेंसर के साथ साथ इस क्षेत्र के धरता करता डीजे ब्रू हो टीम को उबारने में बहुत बड़ा योगदान आपका, इसीलिए आपको भी आदर और सत्कार पूर्वक रुईदास मंडल जी के हाथों से भव्य स्वागत। जोरदार ताली युवा अमृत महतो जी के लिए भी। रुईदास मंडल बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत कार्यक्रम को यहाँ पर हम बंद करते हैं और आते हैं मुद्दा पर। मुद्दा क्या है इस समय, बड़ा मुद्दा बना हुआ है वेलफेयर क्लब घोड़ासाई का तीन दिनी फुटबॉल टूर्नामेंट को अपने नाम करना। एक तरफ टीम है जय भवानी और एक तरफ टीम है खुटपानी प्रखंड ब्रेकअप एफसी। बगैर किसी स्कोर का ये बड़ा मैच इस समय आप सोले हाइब्रिड की जोरदार किक ऑफ टारगेट मोटो महतो के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पर, हालांकि गोल किक यहाँ पर मिलेगा टीम जय भवानी की टीम। क्या शानदार मैच खेली है दोनों ही टीमों ने, आज काफी प्रभावित किया है सभी चाहने वालों को, उतार चढ़ाव काफी हुआ, इसके बावजूद टीम लड़खड़ाई नहीं, चाहे वो जय भवानी की टीम हो या ब्रेकअप एफसी की टीम हो। फाइनल जैसे बड़े मैच खेलने का सौभाग्य दोनों ही टीम गौरव अपने मेहनत के बल बलबूते यहां प्राप्त की है। आग्रह करना चाहेंगे किसी भी मेहमान को वंचित हम नहीं रखना चाहेंगे। अभी अभी मंच में मंचासीन सोशल वर्कर महोदय श्रीमान आदरणीय लक्ष्मी जामुदा सिरकापी गांव से, ये भी हमारे सोशल वर्कर हैं। आग्रह करना चाहेंगे मिस्टर हरीश बंकीरा जी से आप माल्य अर्पण करके उनका भव्य स्वागत करेंगे। हरीश बंकीरा जी जोरदार तालियों के साथ लक्ष्मी जमुना जी का यहाँ पर स्वागत किया जाए। और एक और जोरदार खुलासा यहाँ पर फाइनल मैच में फर्स्ट यानी कि पहला गोल करने वाले शख्स को, उस खिलाड़ी को ये घोषणा हो रहा है गोविंदपुर पंचायत के मुखिया आदरणीय अमर सिंह समाज जी की ओर से 501 रुपए की नगद इनामी राशि के साथ सम्मानित किया जाएगा। फाइनल मैच में जो भी खिलाड़ी, चाहे वो ब्रेकअप एफसी के हो या जय भवानी टीम के हो, जो भी खिलाड़ी पहला गोल करते अपने टीम के लिए प्राइस तो उनको मिलेगा ही 50,000। साथ ही साथ गोविंदपुर पंचायत के मुखिया महोदय श्रीमान अमर सिंह समाज जी की घोषणा है कि यहाँ उनको 501 रुपए की नगद राशि के तौर पर उनके तत्वाधान से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल के राजे ने बहुत सारे हम लोग के बीच हुआ था और सभी अतियों को आदर संस्कार हेतु कहीं ना कहीं माला अर्पण किया गया है। चाहेंगे मेटा के बीचों बीच बात करें जय भवानी बना ब्रेकअप से या दोनों ही टीमों के पास अभी तक कोई इसको नहीं बन पाया है और उम्मीद करेंगे कि आप टीमों को कौन सा टीम पड़ा इसको लाते हैं, इस बात हम चर्चा करेंगे। तो कहने के लिए दोनों ही टीमें ने काफी मैचेस खेले हैं, 48 टीमों को कहने का हार का सामना करना पड़ा है और इस मुकाम पर पहुंची दोनों ही टीमों ने, एक दो टीम बची है, 40 टीम में टू टीमें बाहर चली गई है। बिल्कुल और 46 50,000 जाएगी और बड़ी खुशी की बात है राजे ने
थाने रेफर फर्स्ट स्कोर करने वाले खिलाड़ियों को गोविंदपुर पंचायत के मुख्य अमर सिंह समाज जी के तत्वधान में आपको नगद राशि 500 रुपए दिया जाएगा, चाहे कप सी हो चाहे जय भवानी की बात करें। और यहां से कहीं ना कहीं राजन व्यक्तिगत पुरस्कार नवाजा जाएगा, बेस्ट का हो, बेस्ट गोल कीपर हो, बहुत सारे व्यक्तिगत पुरस्कार नवाजा जाएंगे। कौन बनेंगे आज इस बात में चर्चा करेंगे। राजन चर्चा ये बातचीत करते यू रहेगी, ये फर्स्ट का ही मैच है और कहीं दोनों ही टीमें कभी ब्रेकअप स्कोर में हावी हो रहा है तो कभी जय भवानी के लिए दादा और ये हम समझते हैं इस समय हाई वोल्टेज मुकाबला मैदान पर है तो कमेंट्री से क्षमा चाहेंगे। सबसे पहले तो क्षमा के प्रार्थी हैं, हम कमेंट्री से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि ये भीड़ अगर टूट जाएगी तो हमें सुनने के लिए कोई नहीं रहेंगे। इसीलिए झारखंड युवा संगठन जामिद टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं पेश करना चाहूंगा। 1 लाख जी नहीं, 80,000, 50,000, 25-25, इस प्रकार से 4 पुरस्कार है दोस्तों। 5,000 रुपए की प्रवेश एंट्री और 32 टीम डिमांड है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। झारखंड युवा संगठन जामिद 15 और 16 अक्टूबर कुछ ही दिनों के बाद आइएगा जामिद। बिल्कुल, कहीं कहीं राजन चलेंगे मैदान के बीचों बीच बात करें उसका बहुत सारा विभवर बचा है उनके पास चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस मैच को देखें तो इससे बाद नंबर की मैंने अच्छी प्रयास जरूर दिखाई है, चाहे ब्रेकअप की बात करें चाहे जय भवानी की बात करें, बहुत रहे और दुनोई की बोल है उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आगमन करने में इस बार समय है, जब दोनों टीमों ने जब तक मैच के अंतिम मगर पत्ता का पाना पूरी मुश्किल होगा। फिलहाल ब्रेकअप के लिए मतलब विजय रुक रुक लगा लेते हैं, विजय गेंद पर पहुंचने में नाकाम, एक अच्छे प्रयास भी रहा है दोनों टीमों के पास और यहां से कोई भी टीमें हारना इस बार पसंद नहीं करेगी। एक जीत आपको कहने के 15,000 का डिफरेंस जरूर होगा, जो टीम जीतेंगे 50,000 और जो टीम हारेगी इस पर 35,000 से संतुष्ट होना पड़ेगा। और यहां पे कहने का व्यक्तिगत पुरस्कार नवाज आएगा, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट गोलकीपर और जो भी यहां से पहला इसको लाते हैं, यानी कि बड़ी खुशी की बात है। गोविंदपुर पंचायत के मुखिया अमर सिंह सवाड़ की जी के स्वयं से दिया जाएगा 500 रुपया नगद राशि, जिसमें मैं चाहेंगे कौन बनेंगे, एक कहा जाता है करोड़पति बट यहाँ कहा जाएगा कौन बनेंगे 500 रुपये नगदार, इसको करते जाए। फिलहाल महेश साथी को बने का असफल, सोलह के रहे सोलह साथी को बने का सफल, इस बार ब्रेकअप से आगे बढ़ने में बहुत सुंदर काफी गति को मेरी खिलाड़ी गेंद तक पहुंचे ना था तो कहने के काफी बोला बोली आरंभ हो चुका है। राजन उम्मीद करना चाहेंगे जब तक मैच की अंतिम मंगा रहा हो तब तक पापा ना मुश्किल है, आज कुछ भी हो जाए तमाम दस यही उम्मीद लेके आए हैं कि कौन सा टीम आज बनेगी। तो तमाम दस साथी को मैं बता दूं कि आज कौन सा किस क्षेत्र का टीमें आज दो टीम फाइनल मुकाबला कर रहा है। एक टीम है कुटपानी प्रखंड, जी हाँ एक कुटपानी प्रखंड की टीमें हैं और एक टीम है जगदलपुर प्रखंड के खिलाड़ी और किसी कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा सा गौरवपूर्ति गलती हुआ है, बहुत भी बड़ा गलती कहा जाए क्योंकि थोड़ा सा गलत तरीके से रोकने का परिणाम। तो महेश बागरा की बात करें स्टार के बारे में क्या कहें, उन्होंने छोटे से अपना फुटबॉल को कहने के एक बेहतरीन खेल के तहत आपने नाम की है। फिलहाल अच्छी गेंद, उतनी सुंदर पे गोल गोल की अच्छी बचाओ प्रशंसा करनी होगी मिस्टर समीर 10/22, एक है मोटू मातो तो एक है समीर, दोनों टीमों के पास काफी गतिवान खिलाड़ी है। सोलह हवेल की बात करें चाहे कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जाए तो फिर कृष्णा आज कहीं ना कहीं मेरे खास रखता है, दोनों टीम अभी तक इसको नहीं कर पाए हैं, गेंद रोकने में नाकाम। फिलहाल बहुत ही प्रिय दूसरी बार आगे बढ़ रहे हैं, इस बार बहुत ही क्रॉस कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद टप्पा खाने के बाद कहने की गेंद सीमा से बाहर, और जितने भी पुरस्कार तक पहुंचे सभी टीमों से अगर चाहेंगे
ये मैच जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद आप लोग प्राइज के चलेंगे, ये मैच जैसे ही समाप्त होती है उसके बाद आप लोग प्राइज के चलेंगे, क्योंकि इस मैच में कहने का बैठा सकता है दोनों टीमें प्राइवेट जाना पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहेंगे दोनों टीमों से ये मैच जैसे ही समाप्त होती है आपकी टीम को पूरी तरह कहीं ना कहीं क्या टीम कप्तान टीम मैनेजर हो जाए टीम कप्तान आप लोग ग्राउंड के समीप एक मंच के समझ रहेंगे ट्रायल लेंथ तो मौका बनता हुआ जय भवानी लाल लगे मंडल मिस हुआ छोटे लाल माधव की थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ है मौका बनेगा जरूर गेंद को रोकने में नाकाम ब्रेकअप से लाल गति दिखाई जैसे नंबर 27 27 की बात करें जिस बार धामा थामा इस बार मिस्टर लाडू जय भवानी लाल आगमन कर रहे हैं गेंद सीमित से बाहर एक अच्छा प्रयास कहा जाएगा नेट है मेरे खास लगता राजे नाजर गजब का फुटबॉल खेला है दोनों टीमों ने और विजय लोगों के लिए सुना सा अवसर भी कहा जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी ताकत भी कहा जाएगा मौका बनेगा महेश बंगे के रन आएगी गेट को रोकने में सक्षम फिलहाल ये चीज बस सीमा से बाहर बारंबार यहां से मैचेस से काउंटर हो रहा है और तमाम दर्शक वही भी ज्ञात करा दो एक अगर मैच समाप्त हो जाती है तो जिस बात को भी दर्शाती हो चाहे एक्स्ट्रा प्लेयर वो बाहर नहीं ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे प्राइवेट ली जाएगी ये मैच अगर समाप्त हो जाती है बिना स्कोर की एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो चाहे दर्शाती या टीम के टीम मैनेजर आप लोग ग्राउंड के अंदर नहीं आएंगे अंदर में ट्राइवेट लिया जाएगा बहुत मौका बड़ी मौका कहने के मोटू दर अच्छी बचाव कहा जाए फिलहाल महेश ने साथी को मारने का सफल कोई खेला नहीं गेंद को रोका गया जैसे वो साथ में सकी सुना बोधा साथी रन के आएगी पट गए के गेंद शिव स्वाहर भरत जी अब मंच में है तो एक दूसरा मंच में चलेंगे किसी भी क्षण मैच को क्लोज कर दी जाएगी तब तक पाना मुश्किल होगा कहने के मेरे पास लगता है दोनों टीमें एक अच्छी प्रयास जरूर दिखाई है मौका बनता हुआ ब्रेकअप वापसी के लिए क्रॉस भी आई और डिजाइन वाला की कहा जाएगा एक अच्छी प्रयास जरूर आया था राजन यहाँ से गेट को रोके होते नहीं किस बात कहीं ना कहीं ये देखिए बात होगी इस बार मोटू की अच्छी बचाओ गेंद को रोका गया मोटू मातो बचता करने को जय भवानी फिलहाल आगे बढ़ेगा इस बार मैचों से गति दिखाए खिलाड़ी एक अच्छे प्रयास के साथ ब्रेकअप से कभी ब्रेकअप के पास गेंद तो कभी जय भवानी गोली गोला की बात करें तो जिस बात दोनों ही टीमें ने बेहतर फुटबॉल खेले हैं और तमाम प्लेयर की बात कर रहा है तो जिस बात पिंको कलवे ने काफी नेतृत्व कर रहे थे अक्सर तो कहने का हमारा किरदार रहेगा सोले साथी को मैंने संभल जैसे मैं सोला बड़ा पुत्र आगे बढ़कर इस बार ब्रेकअप सी के लिए काफी सुंदर यहाँ पे नेतृत्व किए हैं गति भी आएगी लेकिन उतनी सुंदर यहाँ पे डिफेंड अच्छी बचाओ प्रशंसा करनी होगी दोनों टीमों को और यहाँ से कहीं ना कहीं गलत तरीके से रोकने को पड़ेगा काफी पाँव ऊपर उठ चुकी थी लेकिन कहीं ना कहीं राजेंद्र उम्मीद करेंगे कॉम्बॉक्स में जुड़ना चाहेंगे फ्रैंक पर क्या गजब का फाइटिंग चल रहा है दोनों टीमों के बीच बिल्कुल सजित यहाँ पर समय की दृष्टिकोण
ये तय कर रहा है और दोनों ही टीम इस समय फ्लाई देकर पर जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। अटैकिंग भरा फुटबॉल यानी कि आक्रमण की जो प्रतिक्रिया है ये निरंतर जारी है मैदान के बीचों बीच। जिस प्रकार अटैक हुई थी इससे पहले आपने भी काफी पैन नजर मैंने भी बनाया हुआ इस मैच पर क्योंकि बड़ा मैच है। इसके बाद थोड़ा सा के मैदान में जनवरी के महीने में जाकर आपको फुटबॉल देखने को मिलेगा। संभवतः अगर आज बात करें ये पिछले तीन दिनों का आखिरी मैच है और इसे देखने हेतु हजारों की संख्या में दर्शक है लेकिन कोई फायदा नहीं है। जस्टिन क्रॉस का मैच गेंद को सुंदर तरीके से हैंडल किया है जमीनी किक लेकिन सोलह है गुरु वहां एक मजबूती दीवार का निर्माण करते हुए एक डिफेंडर के तौर पर। सुजीत जी क्या लगता है आपको बड़ा मैच का अगर यहाँ रिजल्ट आ जाता तो बहुत ही मजा आता। बिल्कुल राजन यहाँ से ट्रैक रहते हम लोग को जाना नहीं पड़ता और कोई भी टीम यहाँ से हारना पसंद नहीं करते हैं। मौका बनेगा बनेगा पेशी के लिए गेंद को छोड़ा गया है लेकिन डिफेंडर का अच्छे बचाव कहा जाएगा गारंटी को सेट करने में सफल रहे जय भवान के खिलाड़ी और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल लगता है बड़े टीम को बांध देता है तो बेहतर बना होगा आपको और तमाम दर्शक यही नजर एक गड़ाई कर रखे हैं कि किसी वगैरह मैच में कहीं ना कहीं स्कोर चढ़ाया जाए और तमाम दर्शक साथी तमाम माता बहन अभी इस मैचेस का लुत्फ उठा रहे हैं क्योंकि आज का एक अंतिम मैच उसके बाद प्राइज समाप्त की जाएगी। आज का अंतिम मैच जो टीम जीतेगी 50,000 जो टीम हार जाते इस वक्त 35,000 संतुष्टि होना पड़ेगा पर कोई भी टीम यहां से हारना इस वक्त पसंद नहीं करेगी। फिलहाल गोल लाइन से निकले मौका जय भवानी बुरी गोला बेहतरीन फुटबॉल खेले हैं और तमाम प्लेयर्स टिकट मिलने के लिए नेतृत्व करते हैं। राजेन एक तरफ देखा जाए खुट पानी पर तो एक तरफ टीमें देखा जाए वो टीमें बात करें जिस बात है सी के पी की प्रचल लहरा चुकी है टिकट इलेवन के लिए तो मोटू मातू का क्या कसमकस मुकाबला खेला गया है। मौका बने गए में हेडर की जरूरत नहीं थी ये तो पहुंचे में सफल जस्ट मोबाइल में माहौदी नक्रास और कहीं नहीं गए फाउल का दिया गया है परिस्थिति करने में काम किए हैं। बारंबार यहाँ पे काउंटर की जा रही है और कहा जाता है सर राजन लोहे की दीवार को छेद करना है तो आपको लोहार बनना होगा क्यों काम किए हैं जय भवानी पर अभी तक इस दीवार को नहीं भेद पाए हैं। हमें ऐसा लगता है क्या इस दीवार को भेद पाएंगे टीम ये नहीं ये सवाल रहा टीमों के लिए जय भवानी के लिए तो यहाँ पर सही समय पर सही बात का जिक्र आपने किया है। लोहे का दीवार को अगर छेद करना है तो एक शानदार लोहार बन के आपको सामने आना।